तुम अगर मृत्यु के समय जब तुमको लेने के लिए आएंगे जमराज, तो तुम कहोगे प्रभु क्या करें, हम जानते हैं भजन करना जरूरी है, भजन करना चाहिए, लेकिन क्या करें, संसार में रह करके ऐसे माया में फंस गए हैं, माया हमको इस तरह से घेर लिया, तो प्रभु क्या करें, जानते हुए भी हम भजन कर नहीं पाए, हम कोशिश किए हैं, तो तुमको बोले इसको ले जाओ, उसको 0 नंबर दो नंबर 0 तुम्हारा। बोले प्रभु ऐसा क्यों, हम तो जानते हैं आपके माया घेर लिया हमको, आपके माया के कारण हमने साधन कर नहीं पाया, हमारे लिए 0 नंबर क्यों। बोलते देखो जो संसार में आया है ये माया के अंदर से ही वो निकल गया, किसी के लिए अलग माया, जो साधन करते हैं जो भजन करते हैं उनके लिए अलग माया, जो संसार में फंसा हुआ है उसके लिए अलग माया। बोले ऐसे नहीं है, जो साधन करते उसके लिए और तो प्रबल माया, वो तो देखा ही नहीं, माया का माया बहुभिद माया है, माया है बहुत भांति, एक सृजे एक खाए, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए, माया का रूप। इसीलिए जो संसार में आया है ये माया के अंदर से ही पार लगाया, जिसने पार लगाया माया के अंदर से ही पार लगाया, जो फंसा रह गया तो फंसा रह गया भाई, इसके लिए तुम्हारे लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मछली है ना, वो हमारे बंगाल में ज्यादा उधर बंगाल में मछली पकड़े जाल ताना जाल लेकर के आता है, जब सब मछली खिस खिस करके लेके आता है ना, आने से किनार में देखा है, देखा नहीं, देखा है किनार में लेके आता है, तो उसमें बहुत सारे मछली आ जाते हैं जाल में, तो कुछ तो मुर्दा जैसे पड़ा रहता है जैसे मरी गया, और कुछ थोड़ा सा पूछ हिलाता है, और कुछ मछली फ्रम करके थोड़ा सा ऊपर उठता है फिर वहीं गिरता है, फिर ऊपर उठता है वहीं गिरता है, कुछ मछली तो चुपचाप है फ्रम करके एकदम ऊपर उठा किंतु गिरा जाल में वहीं पर गिरता है, और कोई मछली ऐसे छलांग मारा जाल निकल के बाहर एकदम, और कोई मछली आता ही नहीं जाल में, ऐसे ही जीव है, कुछ मायाबद्ध जीव है, वो मुर्दा जैसे काल इस तरह से खींच रहा है, वो मुर्दा जैसे पड़ा है, कोई चेतन नहीं, और कुछ सत्संग में उसका पूछ हिलाता है, हाँ हाँ भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, वही फिर वही उसी में लिप्त, उसी में खाना पीना रहना आनंद, बाल बच्चा स्त्री पुत्र कुटुंब अच्छा शांति, और कुछ तो फ्रम छूटता है ऊपर और वही गिरता है, फिर उठता है वो बीच बीच में वृंदावन आता है, फिर जाता है फिर संसार में, फिर आता है वृंदावन में, फिर काशी जाता है, बनारस जाता है, फिर वहीं पर ऐसा करते करते दिन बीत जाता है, और कुछ तो है चुपचाप है मछली फ्रम करके एकदम ऊपर उठ गया फिर नीचे गिर गया, वो लोग कभी छोड़ छाड़ के घर तो जा साधु तो बन जाता है, लेकिन जा करके वही माया फंस करके फिर जाके वही भोग वृत्ति में फंस जाता है ऐसे, और कुछ तो है तो ऐसे छलांग मारा जे वो जाल निकल के एकदम ऐसे आ गए, एकदम भगवत चरण में समर्पित होकर के माया पार लगा दिया, और कोई कोई ऐसे महत् पुरुष है जो कि ये माया का जाल में आता ही नहीं, ऐसे है ये संसार, ये माया है, दोई बीच जैसे गुण महिमा माया दुरत्तया माँ में वह जय प्रबद्धनते माया में तंग तरंती थे, ये गुण महिमा माया पार लगाना सबके लिए संभव नहीं है, कैसे संभव है ना, माँ में वह जय प्रबद्धनते जो मेरे शरण में आता है मेरी कृपा से वो पार लगा देता है,